हे ब्रोस, वेलकम बैक। और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, टाउन हॉल 9 पे आ चुके हैं और ऑलमोस्ट स्टोरी जस्ट फुल है। डार्क भी काफी सारा है, क्वीन को अपग्रेड करना है तो 90,000 डार्क चाहिए, बस 6,000 दूर है। 6,000 भी नहीं, अगर प्रिसाइसली बात करूँ तो 5,000-2,300 के आसपास दूर है हम लोग, तो जो कि हम लोग इजिली एक दो अटैक में फार्म कर लेंगे। काफ़ी सारा लूट मैंने पहले से इकट्ठा करा है, कुछ वॉल्स भी अपग्रेड करे मैंने इस वीडियो से पहले। बूस्ट पे खेल रहा था मैं, आप देख सकते हो कि बूस्ट अब कुछ 10 मिनट के आसपास बचा था है अभी फिलहाल। इससे पहले काफ़ी सारा बूस्ट बचा था, मैं यूज़ कर रहा था इस बूस्ट को और बहुत सारे टैक्स मैंने किए। काफ़ी सारा फार्मिंग कर रहा हूँ आजकल मैं, क्योंकि घर आने के बाद तो कुछ ज़्यादा काम मेरे को रहता नहीं है, तो बिंदास मैं अलग अलग टाउन हॉल से फार्मिंग कर रहा हूँ और सारे टाउन हॉल्स के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। गाइज, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करी थी कि टाउन हॉल 9, 10, 11 इनके अपग्रेड गाइड्स एंड लैब गाइड्स भी मैं बनाऊंगा, तो उन पर भी मैंने काम किया है। कुछ वीडियोस आपको आने वाले टाइम पे मिल जाएगा और आने वाले टाइम पे जब मैं घर वापस जाऊंगा, आपको जैसे पता है अभी मैं अपने सेटअप पे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ और बहुत जल्द हम वापस सेटअप में वीडियोस बनाएंगे और कुछ मज़ेदार वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि अब से हम इन डुओ वीडियोस बनाएंगे, मज़ा आएगा गाइस। तो लाइक कर देना इस वीडियो को फटाफट, लाइक हम ज़्यादा नहीं 5,000 लाइक्स है, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर फर्स्ट टाइम उस चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ वॉल्स अपग्रेड करेंगे। बेसिकली आप देख सकते हो मेरे स्टोरेज भर चुके हैं, तो अगर मैं गोल्ड और एलिक्सिर इन्वेस्ट ना करूं तो एक काइंड ऑफ वेस्ट होगा। सो यहाँ पे 2-3 वॉल अपग्रेड कर लेते हैं, 2-3 नहीं कुछ ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि गोल्ड और एलिक्सिर काफ़ी सारा सेव कर रखा है हमने। वैसे कुछ ट्रैप्स मेरे अपग्रेड होने बाकी हैं, बट उनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि चल जाएगा, मतलब ट्रैप्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। करेंगे इन फ्यूचर सब कुछ मैक्स करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिना मैक्स किए हम लोग टाउन हॉल जो है वो मूव करेंगे टाउन हॉल 10 में, ऐसा होएगा नहीं, ऐसा कभी किया नहीं है मैंने, मतलब किया था पहले, अब तो नहीं करता हूँ। तो ये हमने एलिक्सिर और गोल्ड जो है वो इन्वेस्ट कर लिया, एक और वॉल कर पाएंगे हम लोग विथ यूजिंग द गोल्ड। ओके, तो हमने काफ़ी सारा गोल्ड और एलिक्सिर इन्वेस्ट किया, काफ़ी सारे वॉल्स किए, बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्वीन है, तो क्वीन को अपग्रेड करना है। बट क्वीन को अपग्रेड करने से पहले मेरे को अच्छे खासे डार्क एलिक्सिर की ज़रूरत है, डार्क एलिक्सिर होगा तभी हम हीरोज अपग्रेड कर पाएंगे। और काफ़ी टाइम से आप देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे, क्योंकि टाउन हॉल 10 और 9 में मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। पहले कुछ दिन ऐसे थे टाउन हॉल 13 आने से पहले जब मैं बहुत कम खेल रहा था टाउन हॉल 9 और 10, बट अब ऐसा नहीं है, अब मैं बहुत ज़्यादा खेल रहा हूँ एंड बहुत जल्द हम मैक्स करेंगे दोनों अकाउंट्स को। तो चलिए गाइस, ओके, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं वापस आता हूँ एक अच्छा लूट लेके, बट ऑलरेडी हमें एक अच्छा लूट मिल गया है, ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास यहाँ पर डार्क एलिक्सिर हमें ऑफर है। और बेसिक सी बात है कि हम इस बेस पर ज़रूर अटैक करेंगे, मैं अटैक करूँगा इस साइड से, क्योंकि सारे जो विजर टार्स है वो काफ़ी एक्सपोज्ड है यहाँ पे, सो विजर टार्स एक बार निकल जाएगा तो ये आर्मी। और गाइस, मैंने आर्मी भी चेंज कर लिया है, आपको याद होगा मैं काफ़ी सारा हॉग यूज़ कर रहा था, बट मेरे को लगा कि अगर मेरे को डार्क एलिक्सिर फार्म करनी है और मेरे को अपने हीरोज़ को मैक्स करना है तो मेरे को इतना ज़्यादा डार्क एलिक्सिर अगर मैं यूज़ करूँगा तो मुश्किल होगा, इसीलिए मैं बोलर्स सीसी में लेके आ रहा हूँ और जायंट्स और विजर्ट्स के साथ जा रहा हूँ। और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है गाइस, काफ़ी अच्छी काम कर रही है मेरे लिए, तो और बहुत सारा लूट निकाल रहे हैं हम लोग। और डार्क एलिक्सिर का बहुत ही कम यूज़ है इस स्ट्रेटजी में, लगभग ना के बराबर यूज़ है। चलिए यहाँ पे एक हील करते हैं, क्योंकि कुछ जायंट्स और विजर्ट्स को काफ़ी सारा डैमेज पड़ा था जो कि बहुत बुरी बात है। यहाँ पे एक रेंज करेंगे ताकि कोर जो है वो क्लियर हो जाए, यहाँ पे एक एक्सबो जो है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। इस तरफ मेरा किंग टैंक कर रहा है और बाकी सारी आर्मी इस तरफ चली गई है, बट कोई दिक्कत नहीं होने की जितना मेरे को लग रहा है कि कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात हमें नहीं होगी। यहाँ पे बम टार का डैमेज है, तो मैं ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पे अपना लास्ट एंड द फाइनल हील यूज़ करूँगा। विजर्ट्स मर गए मेरे, क्योंकि वहाँ पे एक जाइंट बम था, बट बोलर्स नहीं मरेंगे, मैंने वहाँ पे हील्स पर यूज़ कर लिया है। जो बोलर्स हैं उनकी हेल्थ भी जो है वो आराम से वापस आ जाएगी और आई थिंक वी आर लुकिंग गुड गाइज, आराम से ये ट्रिपल निकल जाएगा मेरे ख्याल से। पेका 2 बचे हैं इस साइड, क्वीन क्लियर कर रही है, बोलर्स को थोड़ा डैमेज पड़ रहा है विच इज़ नॉट दैट गुड, बट मेरे विजर्ट जो है वो बैक कर रहे हैं यहाँ पे विच इज़ कूल। तो फाइनल विजर्ट यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, एक विजर्ट यहाँ पे था, ओके यहाँ पे भी ड्रॉप कर देते हैं, तो बहुत इजीली। ये स्ट्रेटजी भी काफ़ी यूजफुल स्ट्रेटजी है फार्मिंग के लिए, बट अगर आपको एलिक्सिर और गोल्ड फार्म करना है तो मैं आपको प्रीफर करूँगा आप हॉग वाली स्ट्रेटजी के साथ जाओ, वो ज़्यादा ओपी स्ट्रेटजी है और वहाँ पे एलिक्सिर का यूज़ नहीं होता। और अगर आपको डार्क इजीली फार्म करना है तो ये वाली स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होगी आपके लिए। तो ये 2 स्ट्रेटजीज मैंने आपको वीडियो में बता भी दूंगा आने वाले टाइम पे कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट फार्मिंग एंड वॉर स्ट्रेटजीज होगी। तो चलिए, फर्स्ट अटैक हमारा काफ़ी अच्छा गया, ऑलमोस्ट हमारा जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डार्क एलिक्सिर हमने गेन कर लिया है, बट एक और अटैक हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक अटैक और करेंगे तो ही 90,000 का जो मार्क है वो कंप्लीट कर पाएंगे। और गोल्ड क्योंकि मेरे पास और हो चुका है, एक आई काम करते हैं, एक और अटैक करते हैं, थोड़ा एलिक्सिर भी आ जाएगा, 2 वॉल्स और कर लेंगे और उसी के साथ क्वीन को भी अपग्रेड कर लेंगे। तो चलिए, मेरे पास एक बुक भी है मेरे ख्याल से, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यस मेरे पास एक बुक ऑफ हीरो है, तो क्वीन तो इसी वीडियो में लेवल 20 की हो जाएगी। लेवल 20 के बाद मैं किंग को लेवल 20 का करूँगा, उसके बाद 25-25, उसके बाद 30-30, तो काफ़ी टाइम तो लगेगा, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो चलिए गाइस, फटाफट मैं सीसी लेता हूँ, वापस आते हैं, एक और अटैक करते हैं और अच्छा एक डार्क एलिक्सिर मैं सर्च करके वापस आता हूँ। धोखा गाइस, धोखा हुआ है हमारे साथ, मेरा ये जो वीडियो है आप देख रहे हो स्क्रीन में, इसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं कैसे, मतलब कैसे हो सकता है ये,
टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी कभी हो जाता है, चलो इसी यही मान के मैंने अपने मन को तसल्ली दी। तो गाइज नेक्स्ट अटैक जो मैंने किया था वो एक टाउन हॉल 10 पे था, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फर्नो टार्स भी हैं, बट एक सिंपल सा प्लान था मेरे पास और वो प्लान के चलते हम डार्कलीज ड्रिल्स उड़ा सकते थे, स्टोरेज निकाल सकते थे। तो ज़्यादा सोचा नहीं मैंने, मैंने पूरा फोकस किया ये 5000 डार्कलीज जो है मेरे को निकालना है। सो सिंपल सी स्ट्रेटजी, सिंपल से सब चीज़ें वहीं रहेंगी, बस हमारी एम जो होगा वो दोनों ड्रिल्स और जो डार्कलीज स्टोरेज और टाउन हॉल है। तो जायंट स्पैम किए मैंने क्योंकि एक अच्छा सा प्रोटेक्शन मिल जाता है पीछे विजर्ड्स को, आपको पता ये विजर्ड्स कितने ज़्यादा पावरफुल है, बट पावरफुल वो तभी है जब आप उनको अच्छा टैंक प्रोवाइड कराओ, अगर टैंक प्रोवाइड नहीं कराओगे तो भाई विजर्ड्स बेकार हैं, बिल्कुल बेकार। तो वही किया मैंने, यहाँ पे वॉल ब्रेक किया, अपने पेकास ड्रॉप किए, बोलर्स आपको पता है कैसे काम करते हैं, सब कुछ पता है आपको, बोलर्स अंदर गए, रेज स्पेल से उनको रेज किया और बहुत सही रिजल्ट्स, यहाँ तक तो मेरे को बहुत ही कॉन्फिडेंट था मैं कि चलो सब कुछ सही जा रहा है, डार्क लीजर हम निकाल लेंगे। एक ड्रिल बहुत नज़दीक था, क्वीन ने ड्रिल निकाल दिया, स्टोरेज निकल चुका था, टाउन हॉल भी बहुत ही करीब था, और तब क्या हुआ पेका वॉल ब्रेक करके साइड के कंपार्टमेंट में आ गए, तो मेरे को काफ़ी गुस्सा आया कि क्यों पेका, वाई क्यों ऐसा किया। बट उसके बाद जब मैंने देखा कि एक ड्रिल यहाँ भी है तो मेरे को लगा बहुत अच्छा किया पेका बाहर निकल गया, क्योंकि पेका अगर बाहर नहीं निकलता ये फाइनल ड्रिल मैं ले नहीं पाता, और इस फाइनल ड्रिल में ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा डार्क एग्जिट था जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो पूरा डार्क हमने निकाल लिया, गोल्ड भी अच्छा खासा था, एलिक्सिर सब कुछ सही था, बट जितना मेरे को चाहिए था जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी डार्क एलिक्सिर वो हमने इसका जीरो कर दिया। सिंगल इन्फर्नो ने मेरी क्वीन को डाउन कर दिया और अटैक काफ़ी सही गया मेरा। जैसे मैंने पहले बताया गाइज, आप अगर इस आर्मी के साथ जाते हो टाउन हॉल 10, अगर अच्छा खासा टाउन हॉल 10 भी है और आपकी फार्मिंग स्ट्रेटजी जो है वो सिर्फ डार्क एलिक्सिर फार्म करना है तो आप टाउन हॉल 10 के ऊपर भी जा सकते हो, बट अच्छा ऑफर होना चाहिए। 5-6 हज़ार से नीचे का ऑफर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 4-4.5 हज़ार तो आपको टाउन हॉल 9 में भी मिल जाएंगे, बट अगर आपको कहीं 5000-6000 का ऑफर है, टाउन हॉल 10 है, तो आप एक रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वो रिस्क जो होगा वो वर्दी होगा। अगर आप अच्छा खासा डार्क लीजिए निकाल लोगे तो आपके लिए बहुत ही सही होगा, बट यस रिस्क हमेशा होता है, कभी कभी आप अगर फेल हो गए तो बहुत ही गंदा लगता है दिखने में, बट उस चीज़ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, अगर आप इग्नोर करते हो तो आप अच्छे खासे लूट निकाल सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हमारा टैग कहाँ पे था, ओके तो ओ माय गॉड जायंट बम से मेरे दोनों विजर्ड्स मर गए, एक विजर्ड अंदर जाने की कोशिश किया वो भी गया, सब इधर उधर खत्म, सब मर गए, सब मर के उनकी आत्मा भटक गई और यहाँ पे हमारा बैटल जो है एंड हो गया। 82% नॉट बैड, 5000 डार्क विच इज़ ऑसम, उससे थोड़ा बोनस भी मिला मेरे को और फाइनली मैं वापस आ चुका था यहाँ पे। अभी बहुत टाइम है मेरे को बाकी सीजन पास जो है वो कंप्लीट करने में। क्वीन को अपग्रेड कर लेते हैं विथ यूजिंग द बुक, ऑलरेडी मैंने कर लिया है, बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सो क्वीन को हमने यहाँ पे अपग्रेड कर लिया था और बस बचे कुचे थोड़े गोल्ड और एग्जिट थे जिससे मैंने शायद वॉल्स किए होंगे, करने चाहिए थे, किए कि ये नहीं किए, अगर करूँगा तो मैं अभी कर लूँगा। यही थी वीडियो गाइज, कुछ ज़्यादा खास नहीं, हमने क्वीन को अपग्रेड किया, क्वीन अपग्रेड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट हम अब किंग के पीछे पड़ेंगे, किंग 14 का है और किंग को हमें बहुत अपग्रेड करना है क्योंकि हमारा एम जो है वो 20 है, लेवल 20 की क्वीन, लेवल 20 का किंग, उसके बाद हमारा एम जो है लेवल 25 का किंग, लेवल 25 की क्वीन, और ऐसे कर करके हम आगे बढ़ते रहेंगे और फाइनली हम 30-30 लेवल के हीरोज तक पहुंचेंगे। तो बस यही थी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज, क्योंकि आपका लव, आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमेशा से मिलता है और काफ़ी मज़ा आता है ये प्यार और सपोर्ट देख के। तो ऐसे ही गाइज प्यार और सपोर्ट करते रहना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना, एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।